मेरा नाम विकास चक्रवर्ती है। आज जिस टॉपिक को लेकर हम आए हैं वो है क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या चीज है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो शो करती है जो फ्लो और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, जो कैश या कैश के बराबर हो, और किस समय का शो करती है, जो उस पर्टिकुलर पीरियड का, यानी पर्टिकुलर पीरियड का मतलब क्या, जो भी कोई फाइनेंशियल कंपनी होती है या कोई ऑपरेशन यानी कोई प्रोडक्शन कंपनी होती है उस ड्यूरिंग द पीरियड में, यानी ड्यूरिंग द पीरियड का मतलब क्या हो गया, ईयर यानी 1 अप्रैल to 31 मार्च के अंदर में जितने भी उनके फ्लो होते हैं कैश रिलेटेड या कैश के इक्वल होते हैं उसको शो करती है किसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो शो करती है उसके लिए जो नेट इंक्रीज होती है या नेट डिक्रीज, यानी जो उसकी कैश में इंक्रीज हो रही है यानी पैसा आ रहा है या पैसा गया हुआ है उसमें प्लस में हो रही है या माइनस में, या नेट इंक्रीज या डिक्रीज जो शो करती है वो किसमें शो किया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब इसको शो करने के लिए अलग अलग एक्टिविटी आती है, अलग अलग एक्टिविटी कौन कौन से हो सकते हैं, जिस एक्टिविटी पे क्या आता है वो क्या है, यहाँ पे ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तीन एक्टिविटी पे बात करते हैं कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल कंपनी। अब पहले हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है कि जो मेन रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू जनरेट करती है वो कहाँ से आता है, किसी भी बिजनेस के लिए ऑपरेशन से आता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यानी ऑपरेशन, जब भी कोई बिजनेस ऑपरेटिंग करती है ऑपरेशन से रिलेटेड आती है, जितना भी ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या, कोई फैक्ट्री जो भी प्रोडक्शन कर रही है, जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी उसकी इनकम जनरेट हो रही है वो क्या हो गया, उसके ऑपरेशन से हो रही है, इसलिए क्या कहा गया, इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हर एक्टिविटी में इनफ्लो और आउटफ्लो दो होते हैं, तो अब इसमें भी दो चीजें आती हैं, ठीक है, एक होता है इनफ्लो, एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। आउटफ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो में क्या आती है, अगर किसी फैक्ट्री के रिलेटेड बात करते हैं, किसी ऑपरेटिंग कंपनी की बात करते हैं, तब उसमें क्या इनफ्लो होता है, अगर कंपनी के हिसाब से जो इनफ्लो में आएगी, जो कंपनी को पैसा आ रहा हो कहां से आता है, कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैश सेल कर रही है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है, कैश रिसीव फ्रॉम एज ए कमीशन दिया हुआ है, कैश रिसीव एज फीस के बेसिस पे आ रही है, कैश रिसीव एज रॉयल्टी। तो ये जितने भी हमारे जो रिसीव हो रही है वो सब हमारी कहाँ पे आती है, इनफ्लो में, यानी कैश इनफ्लो हो रही है तो कहाँ पे आ गई, ऑपरेटिंग में। अब इससे रिलेटेड आउटफ्लो में क्या क्या हो सकती है, आउटफ्लो में क्या होता है, कैश परचेज, जब कोई गुड्स परचेस कर रही है यानी गुड्स को परचेस किया कैश में तो आउटफ्लो हो गए कंपनी के लिए। पेमेंट टू कैटर, यानी कैटर क्या हुआ, जो इनसे जिनसे उन्होंने परचेस किया था गुड्स उनको कैट में और उनको पैसा पे कर रही है, दैट से क्या हो गया, वो पेमेंट कर रही है, तो भी उसके लिए क्या हो गया, वो आउटफ्लो हो गए। कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी जो ऑपरेशन में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो हमारे किसमें आ गए, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, अगर उसका पेमेंट हो रही है तो भी क्या हो गया, कैश आउटफ्लो हो जा रही है। फिर पेमेंट टू वेजेस, अगर वेजेस पेमेंट कर रही है तो भी क्या हो गया, उसके लिए कैश आउटफ्लो हो गया, और इनकम टैक्स भी दे रही है तो क्या हो गया, उसके लिए आउटफ्लो हो जा रही है। यानी ऑपरेटिंग में जो भी हमारी फैक्ट्रियां होती हैं, जो ऑपरेशन में वर्क कर रही हैं, उसके लिए इनफ्लो और आउटफ्लो में, जितने भी कैश इनफ्लो आ रही, पैसा रिसीव हो रहा तो किसमें आता है, कैश इनफ्लो में, और जितने पैसे पेमेंट कर रहे हैं, जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं, वो क्या हो गया, वो कैश से आउटफ्लो। ये तो किसी ऑपरेटिंग बिजनेस में, लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल कंपनियां हैं और फाइनेंशियल वर्क कर रही हूँ तो उनके लिए ऑपरेटिंग इनकम क्या हो सकती है, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो उसमें क्या आ सकता है, कैश रिसीव फॉर इंटरेस्ट, जो भी कैश रिसीव कर रही है किससे, इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट मिल रहा है कंपनी को, या फाइनेंशियल कोई कंपनी है, कैश रिसीव फ्रॉम फॉर डिविडेंड, यानी डिविडेंड मिल रहा होगा, यानी लाभांश एंड प्रॉफिट का कोई पार्ट मिल रहा होगा कहीं से, तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी, अगर कोई सिक्योरिटी को सोल्ड कर रहा है तब की कंडीशन में जो भी पैसा मिल रहा है वो कंपनी के लिए क्या होती है, उस फाइनेंशियल कंपनी के लिए कैश इनफ्लो। अगर उसी तरह से हम लोग अगर आउटफ्लो देख की बात करते हैं तो आउटफ्लो में क्या जाता है, कैश पेड फॉर इंटरेस्ट, जब भी कोई इंटरेस्ट पेड कर रही है तो क्या हो गया, वो कैश फ्लो हो रही है। सेम अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो और क्या फाइनेंशियल कंपनी के लिए आउटफ्लो हो सकती है, पेमेंट फॉर परचेस ऑफ सिक्योरिटी, ये कंपनी के लिए क्या होती है, आउटफ्लो हो रही है, यानी कोई फाइनेंशियल कंपनी हुई तो उसके लिए सब चीजें क्या होती है, उसकी आउटफ्लो होती है। अब इसके बाद ये तो हमारे ऑपरेटिंग से रिलेटेड होती है, जो कि हमारे बिजनेस कोई ऑपरेशन कर रहा है या फाइनेंशियल कंपनी है रही है, तब की कंडीशन में ये सब चीजें जो आती है वो कहाँ पे आती है, वो ऑपरेटिंग में आती है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपनी के लिए क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं, तो इसमें भी दो चीजें होती हैं, इसमें भी इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, दोनों में इनफ्लो और आउटफ्लो।
इसमें भी इनफ्लो और आउटफ्लो होती है, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी उस एक्टिविटी से रिलेटेड होती है जिसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स और अदर इन्वेस्टमेंट आती है। लॉन्ग टर्म एसेट्स और अदर इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म में वर्क करती है, जिससे हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कंडीशन में कंपनियां क्या करती हैं कि जो भी कोई एसेट परचेस कर रही हैं या एसेट सेल कर रही हैं, तो उससे जो पैसा मिल रहा है उससे रिलेटेड जितनी भी आती है, तो अब कोई भी कंपनी हो रही है, वो फाइनेंशियल कंपनी हो या कोई भी ऑपरेशन करने वाली कंपनी हो, दोनों कंडीशन में क्या होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनके यहाँ पे क्या आता है, अगर इनके लिए इनफ्लो क्या हुआ, सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव, ठीक है। सेम उसी हिसाब से अगर कर सकते हैं कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हो रही है, कोई डिविडेंड रिसीव हो रही है, तो वो उसके लिए क्या होती है, वो इनफ्लो हो रही है। सेम इसी तरह से आउटफ्लो की कंडीशन में क्या होता है, जब कोई एसेट परचेस कर रही है, ठीक है, कोई एसेट परचेस कर रही है, कोई इन्वेस्टमेंट परचेस हो रहा है कहीं पे, तो इसकी कंडीशन में क्या आती है, उसको वहाँ पे फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आती है जो लॉन्ग टर्म के एसेट परचेस करने पे आती है, तो हमारे क्या होते हैं आउटफ्लो, जहाँ से हमारे पास से पैसा जाता है, तो दैट से क्या हो गए, वो हमारे लिए आउटफ्लो हो गए। तो इस टाइप की जो भी हमारी एक्टिविटियाँ इंक्लूड होती हैं वो कहाँ पे आती हैं, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ गई, तो अब फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आती है, इसमें भी इनफ्लो और आउटफ्लो आता है, इसकी भी बात देखा जाए इसमें भी इनफ्लो होती है, इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो क्या होती है कि कंपनी की जब फाइनेंस की बात करते हैं तो पर्टिकुलर जो भी फाइनेंस की होती है, तो कंपनी का फाइनेंस का मतलब क्या, ऑनर फंड होती है, जो ऑनर की जितना कैपिटल लगाया हुआ है। तो अब इसमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया जाए, तो इनफ्लो में क्या आ गई कि कंपनी जब शेयर इशू की तो कंपनी का पैसा आया, दैट्स इनफ्लो। कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, पैसा आया, तो इनफ्लो। कंपनी ने कहीं से लोन लिया, दैट्स पैसा आई, तो ये क्या हो गया, इनफ्लो। अगर कंपनी ने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है एक्स्ट्रा, तो क्या हो गया, कंपनी के लिए इनफ्लो हो रही है। अब कंपनी के लिए आउटफ्लो क्या होगी, आउटफ्लो क्या हो रही है, जब भी कंपनी ने रिडीम किया प्रेफरेंस शेयर को, दैट्स आउटफ्लो, क्योंकि पैसा जा रहा है। सेम डिबेंचर रिडीम कर रही है, दैट्स आउटफ्लो। कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, दैट से आउटफ्लो, यानी क्योंकि उसके लिए क्या हो गया, वो उसको पेमेंट करना पड़ रहा है। सेम उसी हिसाब से कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया, दैट से क्या हो जाएगी, वो आउटफ्लो हो रहा है। कहीं पे डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रही है विद प्रीमियम के साथ, तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगी, वो आउटफ्लो। इस टाइप से जो हमारी एक्टिविटी है, जो तीनों ऑल एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, कौन कौन सी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो तीनों हमारी ऐड हो जाती है और एक स्टेटमेंट शो करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो उसके बेसिस पे हम लोग कैश में कितना हमारी किस किस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ने इसमें कौन सी आई, ऑपरेटिव में क्या आया, इन्वेस्टिंग में क्या आया और फाइनेंसिंग में क्या आया, इस टोटल को, इनमें कहीं पे प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकती है कहीं पे, यानी इन फ्लो भी हो सकता है कहीं पे, उसकी यूज भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जितने भी हमारे फाइनेंशियल जो हमारे कैश फ्लोस में आते हैं, वो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ऑल सब एक्टिविटीज को इक्विवेलेंट किया जाता है। तो उस पीरियड में, यानी किस पीरियड की बात करते थे, कर रहे थे हम लोग, कि जो उस ड्यूरिंग द ईयर में, यानी अप्रैल टू मार्च का जो भी क्लोजिंग चलती है फाइनेंशियल में, उस टाइम पीरियड में जो भी अमाउंट आए, तो उसको हम लोगों ने क्या कहा, कैश फ्लो ऑपरेटिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब उसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की बात की है। अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो किससे रिलेटेड होगा, ऑपरेटिंग में कौन कौन से ऐसे आइटम आते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं, फाइनेंसिंग में आते हैं तो क्या कैसे उसका अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया जाता है, सेम फाइनेंसिंग के लिए भी, इन्वेस्टिंग के लिए भी और फाइनेंसिंग के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।